नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज मम्मी जी हमारी लाई थी ककड़ी, तो मैंने कहा ये किस लिए लाई है, करेंगे इसकी बनेगी सब्जी। तो मैंने तो कभी इसकी सब्जी खाई नहीं, तो उन्होंने कहा बनेगी सब्जी। तो हम अपने साथ साथ हम आपको भी बताएंगे इसकी रेसिपी कैसे बनेगी। तो मम्मी जी ने इसको अंदर काट, एक हिस्सा काट के उसके बीज निकालना शुरू किया हुआ। कहती बीज होता है कड़वा, अगर इसमें रह गया तो स्वाद बिगाड़ सकता है। तो इसको पूर्ण तासीर से साफ कर रही हैं, पूर्ता बीज को निकालना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये बेस्वाद हो जाएगी। देखो आप देख सकते हैं कि वो पूर्ता मम्मी जी ने साफ किया हुआ है, देखो एक भी बीज नहीं उसमें दिख रहा है, इस तरह से उन्होंने साफ किया हुआ है। तो इसके लिए चाहिए बेसन, आप भरने के हिसाब से बेसन ले सकते हैं जितनी मात्रा हो आपकी ककड़ी की। तो हमने बेसन को छान के तैयार किया, उसके लिए मसाला भी चाहिए होगा। इसमें भुना हुआ जीरा है, धना है और नमक है, मिर्ची है, लहसुन है, हींग भी इसमें पड़ी हुई है। सबको एक साथ पीस के मसाला तैयार किया जाएगा। इसमें बेसन में ऐड मिलाया जाएगा, तो उसमें डाली हुई है फिर से देखो थोड़ी हींग डाली हुई है और लाल मिर्ची, धना पाउडर ये डाला हुआ है, गरम मसाला और इसी में डाली जाएगी थोड़ी हल्दी, जो कलर के हिसाब से हम उसको डाल सकते हैं इसमें हल्दी, अच्छा सा कलर आए। और इसमें मिलाया जाएगा सरसों का तेल, जो हमारा भरने के लिए मसाला तैयार हो जाए वो इसको भर सकें। देखो इस तरह से इसमें भरना, ये हमारा थोड़ा मेरे साइज बड़ा है तो मसाला भरना है, ज़्यादा भरेंगे तो उसमें पक नहीं पाएगा उसका मसाला, तो इस तरह से भरना। तो आप देख सकते हैं मम्मी इस तरह से भरा हुआ है, दीदी ने जैसे इस तरह से भरा हुआ है, कोई बात नहीं तो भर के हो चुकी है हमारी तैयार। तो आप देख सकते हैं इनको हो चुकी है तैयार भर के, तो कढ़ाई में पकाएंगे। देखो कढ़ाई रख के ये तैयार, हमारा तेल गरम हो जाए, गरम होने के बाद इसमें डालेंगे तेल को, देखा जरा अभी हो रहा है गरम। इसमें भुना जाएगा भाई इसको, अभी इसमें चलाने में दिक्कत हो रही है तो इसको थोड़ी देर ऐसी पूरी कढ़ाई में करके इसको बंद करके रख देंगे तो थोड़ी पक जाएंगे, तब इसको चम्मच चलाने में इसमें आसानी होगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, तो उनका इसको ढक दो थोड़ी देर, और इसको पकाना भी है बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाना है। इसको ज़्यादा जलाएंगे चूल्हा तो ये जल जाएगी और हमारा स्वाद बिगड़ सकता है, इसको धीमी आँच पर इसको पकाना है धीरे धीरे। तो इसको 2 मिनट के लिए हमने इसको बंद करके रखा हुआ, 2 मिनट बाद देखेंगे तो इसको थोड़ा पक जाएंगे तो इसको निकाल लेंगे। देखो देख के ऐसी हो गई, 2 मिनट बाद इस तरह से हो गई हैं, हमारी धीमी आंच पर इसको पकाना है, इनका बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना, अगर जला दिया तो ये सब बेकार हो जाएगी। तो देखो आधी पक चुकी हैं ये, बस धीमी आंच पे पकना, पक तो जल्दी जाती है, बस धीमी आंच पे इसको पकाना है। उठा के देते हैं थोड़ी देर के लिए, देखो हमारी पक चुकी हैं अब, ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी ये पक चुकी हैं। ये पूर्णता पक चुकी हैं। तो आपको ये डिश बनाने में कैसी लगी, आप ट्राई कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं आपको ये डिश जो आपने देखी आपको कैसी लगी। तो ये तैयार हैं खाने के लिए, पक चुकी हैं ये भाई, इसको धीमी आंच पर पकाना बस, आप ये पक चुके देखिए, आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल ही धीमी आँच पर हमने पकाया हुआ है। आप लोग ट्राई करते हो और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।